दिनेश गुणावर्धने, जिनकी जड़ें भारत से भी जुड़ी हैं, जिन्होंने हमेशा श्रीलंका और भारत के रिश्ते को प्राथमिकता दी, आज वही दिनेश श्रीलंका के प्रधानमंत्री बने हैं। लेकिन दिनेश के प्रधानमंत्री बनने के पीछे भी राजनीतिक एक्सपर्ट्स बहुत सारे गुणा गणित जोड़ रहे हैं, क्योंकि दिनेश के रिश्ते राजपक्षे परिवार से कुछ ज्यादा ही अच्छे हैं। कौन है दिनेश गुणावर्धने और कैसे उन्होंने प्रधानमंत्री तक का सफर तय किया, आज बात इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आशी और आप देख रहे हैं अनकट। दिनेश अपनी सीधे बात करने के लहजे के लिए श्रीलंका में जाने जाते हैं। लोगों का कहना है कि उनकी बातें बहुत सही और सटीक होती हैं। और तो और, दिनेश ने द क्लीन मैन की इमेज भी मेंटेन कर रखी है। गोटाबाया राजपक्षे के शासन काल में गुणावर्धने होम मिनिस्टर रह चुके हैं, साथ ही साथ उन्होंने 22 साल तक कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में काम भी किया है। अपने पूरे पॉलिटिकल करियर में गुणावर्धने ने हमेशा भारत के साथ श्रीलंका के अच्छे रिश्ते की बात की है और उनकी पब्लिकली बहस भी हुई है। दिनेश गुणावर्धने के परिवार का भारत से गहरा नाता भी रहा है। उनके पिता फिलिप गुणावर्धने, जिन्होंने श्रीलंका में समाजवाद के पिता के रूप में उन्हें जाना जाता है, वाज अ क्लासमेट ऑफ जयप्रकाश नारायण एंड वीके कृष्ण मेनन एट द यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कोनसिन। फिलिप गुणावर्धने ने साम्राज्यवाद से आजादी की वकालत की और बाद में लंदन में साम्राज्यवाद विरोधी लीग ऑफ इंडिया का नेतृत्व भी किया। लेकिन फिलिप गुणावर्धने और उनकी पत्नी कुसुम दूसरे विश्व युद्ध के दौरान श्रीलंका से भागकर भारत आ गए थे। दे जॉइंड द अंडरग्राउंड एक्टिविस्ट फाइटिंग फॉर देयर फ्रीडम एंड वर अपहरेंटेड बाय ब्रिटिश इंटेलिजेंस हु इम्प्रिजन्ड देम इन अ बॉम्बे जेल इन 1943। आफ्टर अ ईयर दे वर डिपोर्टेड बैक टू श्रीलंका। अब राजनीतिक विश्लेषकों का क्या कहना है वो भी समझ लेते हैं। दिनेश के प्रधानमंत्री बनने के बाद लोगों ने कई तरह के बातें करना शुरू कर दिया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दिनेश ने काफी लंबे समय तक राजपक्षे सरकार में काम भी किया है, तो उसी को लेकर लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया है। दिनेश गुणावर्धने को राजपक्षे परिवार का काफी करीबी माना जाता है, जिन्हें देश की बिगड़ती आर्थिक स्थिति पर देशव्यापी विरोध का सामना करना पड़ा था। प्रदर्शनकारी गोटाबाया राजपक्षे और उनके भाई महिंदा राजपक्षे को हटाने में सफल रहे, लेकिन कई लोग चाहते हैं कि विक्रमासिंघे और अन्य लोग, जिन्हें वे परिवार के सहयोगी के रूप में देखते हैं, वे भी चले जाएं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो दिनेश को श्रीलंका की जनता पसंद नहीं कर रही है। अब दिनेश के पॉलिटिकल करियर के बारे में भी जान लेते हैं। गुणावर्धने ने पहली बार 1983 में महारागामा चुनावी जिले में MEP उम्मीदवार के रूप में उपचुनाव के दौरान संसद में प्रवेश किया, जिसमें उन्होंने जीत भी हासिल की। फिर 2000 के संसदीय चुनाव लड़ने और जीतने के बाद उन्होंने परिवहन मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। उन्हें 2001 में पर्यावरण मंत्रालय भी दिया गया। उन्होंने 2004 के संसदीय चुनाव में भी अपनी जीती हुई सीट हासिल की और उन्हें शहरी विकास और जल आपूर्ति मंत्री के साथ साथ शिक्षा उप मंत्री भी नियुक्त किया गया। 3 साल बाद गुणावर्धने को शहरी विकास और पवित्र क्षेत्र विकास मंत्री नियुक्त किया गया। उन्होंने जल आपूर्ति और जल निकासी मंत्री के रूप में भी काम किया है और 2010 और 2015 में संसदीय चुनाव में फिर से चुने गए थे। गुणावर्धने 2020 के संसदीय चुनाव के बाद सत्ता में आई राजपक्षे सरकार में विदेश मंत्री भी रह चुके हैं और अब दिनेश श्रीलंका के प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो ये थी दिनेश गुणावर्धने की जीवनी। ऐसे ही तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको अनकट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह और आप देख रहे थे अनकट।